लुधियाने और चंडे के। तो ये है जी मताम नराला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खालिद हसन। आज जुमे का दिन है जी। जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मस्जिद में हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि जुमे वाले दिन पढ़ा गया दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। बेशक जो शख्स मेरी उम्मत में से मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मंजलत के एतबार से सबसे ज्यादा करीब होगा। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं आ रहे हैं। अभी खुतबा स्टार्ट हो गया है। जुमे की नमाज के बाद हम आपको फौरन ही एक जबरदस्त किस्म की चिकन की बिरयानी खिलाएंगे। यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुल हुआ है जिसका नाम नराला है, वहाँ लेके जाएंगे आपको एक जबरदस्त किस्म की बिरयानी खिलाएंगे। अभी हम जुमे की नमाज पढ़ेंगे जी, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जी चिकन की बिरयानी खाने के लिए। जुमे वाले दिन इतना रश होता है कि आप ये देख लें, मस्जिद में कम से कम आना तो बढ़ोगे, बाहर सड़कों पे जाए नमाज डाल के जो है ना नमाज पढ़ते हैं। मैं भी आज थोड़ा लेट हो गया, मस्जिद में इतना रश होता है कि आपको जगह नहीं मिलती। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको ऐसे ही सड़कों के बाहर जाए नमाज डाल के जुमा की नमाज पढ़नी पड़ती है। ये देख ले, पीछे बहुत रश रहेगा। तो मैं भी देख लो, इधर बाहर ही अभी जुमा पढ़ रहा हूँ। तो जुमे के बाद आपको लेके चलते हैं जी निराला पे, आपको अच्छी सी चिकन की बिरयानी खिलाएंगे। الحمد لله رب العالمين। जुम्मे की नमाज हो गई है जी। देख लें लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम आपको लेके चलेंगे जी निराला रेस्टोरेंट पे, जिसकी ओपनिंग सिर्फ एक महीना पहले हुई है। वहाँ से हम आपको एक ज़बरदस्त किस्म की चिकन की बिरयानी खिलाते हैं। जुम्मे के फौरन बाद मस्जिद में ये छोटे छोटे स्टॉल लगा के ये छड़ियाँ बेचते हैं जी। अशरीन कम खमसा शरीफ 15-15 रियाल स्मार्ट वॉच। अब बंदे बिल्कुल तैयार खड़ोते ने जी बिरयानी। अब बंदे चेक कर लो इश्तेहारी ने चारे ही बिरयानी दे इश्तेहारी ने। तो ये है जी मताम नराला रेस्टोरेंट। वैसे तो इनकी डिशेस बहुत भी हैं, इनकी मटन की कढ़ाई बहुत मशहूर है, चिकन की कढ़ाई, और इनका नाश्ता बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पे मुर्ग चने, जो आपको स्पेशल लाहौर का देसी नाश्ता है। ये खुबर शुमालिया में है, ये पाकिस्तानी स्कूल वाला रोड जो है ना बिल्कुल ये उसके ऊपर बना है। ये मशहूर लिबर्टी इनके बिल्कुल सामने है। तो आज जो जुमे वाले दिन इनकी जो स्पेशली बिरयानी होती है ना चिकन की, वो हम आपको खिलाते हैं। आ जाइए।
लो जी हम आ गए पहुंच चुके हैं जी नराला में। इनका एम्बियंस तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है इसको। सलाम अलैकुम, ये देख लें। अभी जुमे की नमाज अभी ख़त्म हुई है तो लोग अभी आना शुरू हुए हैं। अभी राशिद कम्प्लीटली इनका जो है ना वो आपको एम्बियंस दिखाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं जी इनकी चिकन की बिरयानी। ये व्हाट्सएप जी अकील जट साहब, अकील जट साहब जी बहुत हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हमें, उन्होंने आते ही हमारी वीडियो का स्टाइल हमें बना के दिया। तो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, तारक टैडी मरहूम, उनके ये उस्ताद हैं, बकौल इनके के ये उनके उस्ताद हैं, इनके हाथों में भाई भी दोस्त भी, इनके हाथों से तारक टैडी बन के निकला है, लेकिन बदकिस्मती से ये सऊदी अरब में आ गए हैं। ये फैमिली के लिए उन्होंने ये देखो कितना खूबसूरत सेटअप दिया हुआ है माशाल्लाह। अभी रिसेंटली ओपन हुआ है जी। ये मोहम्मद सलीम भट्ट साहब हैं जी, आप जब भी आए निराला पे हमारी वीडियो दिखा के इनसे डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया जी। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि एक महीना पहले इसकी ओपनिंग हुई है माशाल्लाह। जुमा ख़त्म होते ही आप देख लें रश बहुत ज़्यादा होता है इनके पास, और इनके खाने आउटस्टैंडिंग है। ज़रूर विज़िट करें निराला, मतम निराला को, लोकेशन मैंने आपको बता दी है इसकी, तो लाजम विज़िट करें। आज की माशाल्लाह देखने में इतनी स्पाइसी लग रही है, और साथ में ये बादामी कीमा है जी इनका, बहुत ही ज्यादा फेमस है, देखने में इतनी स्पाइसी लग रही है तो माशाल्लाह खाने में। क्या बात है, ये देखे जी भाई बिरयानी बनाने का तरीका है इनके पास। और ये बादामी कीमा है माशाल्लाह, साथ रोगनी नान, तो अभी खाते हैं हम, आपको भी खिलाते हैं। बिरयानी का टेस्ट वाकई क्लीम भाई आउटस्टैंडिंग है यार। चिकन की बिरयानी स्पेशली जो है ना, पहली दफा मैंने इतनी टेस्टी देखी है। वो भी निराला स्वीट पे टुट पाओ भाई, रोटी खा ली थी।
ये निराला वालों का स्पेशल है जो बादामी कीमा रोगनी नान के साथ आप इसको टेस्ट करें जी, क्या बात है। हाँ, ये देखो, ये देखो उसमें बादाम डाले हुए हैं। नंबर वन टेस्ट है जी। बहुत मोहब्बत कीती है ते मैं तुहानू लाजमी मैं आपको बोलूंगा कि निराला को जरूर विजिट करें। खास तौर पे हमने आज इनकी बिरयानी खाई है ना, यकीन करो बस उंगलियां जमाने वाली रह गई थी। और बादामी कीमा आज इनकी दो डिशेज हमने एक्सप्लोर की हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और मटन कढ़ाई भी इनकी खाई हुई है हमने, तो ज़रूर विज़िट करें। ये भट्ट साहब आपको खुसूसी मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और हमें भी सपोर्ट करें, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। ये भट्ट साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं, इनका पैगाम सुन लें जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा रियाद और उसके बाद इधर तमाम में, इधर हम पाकिस्तानी गोश्त यूज कर रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं श्री, जिनकी काविशों की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर कामयाब हो रहे हैं। और रफी भट्ट साहब खासतौर पर और मियां अब्दुल जब्बार साहब, ये जो से हमारे बड़े हैं, इनकी मेहनतों की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम कामयाब हैं। और उसके बाद ये हमारे सलीम भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, अल्लाह पाक को खैर दिए थे। और आप इंशाल्लाह निराला पे आए, आपको इंशाल्लाह अच्छा पाकिस्तानी की खुशबू। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते में आए मटन चने, मुर्ग चने, अंडा चने, पाया आलू पराठा, सादा पराठा। और इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गेन कर रहा हूँ मैं अपनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अभी माशाल्लाह मेरा बारबेक्यू बहुत अच्छा जा रहा है, और उसके बाद चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई बड़ी अच्छी है, और फिर और इंशाल्लाह अभी मैंने ग्रिल फिश शुरू किया है, और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद मैं रोहू मछली स्पेशल जो हमारी रियाज की थी, मछली फ्राई और स्पेशल स्टीम फिश जो पूरे सऊदी अरब में कोई नहीं लगाता, अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू करेंगे। और उसके बाद जुमे वाले दिन आप आए, गुड़ वाले चावल है स्पेशल, और स्पेशल चुनौती कुन्ना है, और बादामी कीमा मेरा बड़ा स्पेशल है, और खास तौर पे पालक गोश्त ये जरूर ट्राई करें, ये हमारा स्पेशल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी गोश्त यूज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्योर मीट है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जितने भी व्यूअर्स हैं दुआ करें और अपने भाई को खिदमत का मौका दें, जरूर जरूर मौका दें। कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए मैं एडवांस ही माफी मांग रहा हूँ। नहीं जी, कमी बेशी खाना तो इनका बहुत अच्छा था, और नाश्ते का जब इन्होंने बताया ना, तो अब हम नाश्ता भी जरूर करेंगे इनके पास, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे तीनों वाले नान, रोटी नान अपना, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अभी शुरू करूंगा कीमे वाला नान और कलवंजी नान, और खास तो मेरी रोटी भी शुरू की है, लेकिन आपको जो ये नान है ऐसे खुबर में नहीं मिलेगा, अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया जी, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि खालिद हसन के और भी व्लॉग्स मिलते रहें। दुआओं में याद रखें, जरूर निराला पे विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।